है ड्राइवर साहब बस कब कौन है डिपो मैनेजर यहाँ पे? पूरा सर्कल का, तीन सर्कल का भी हमने यहाँ बुलाया। कौन लोग आए हैं? तीन सर्कल से स्टाफ आए हैं, सारे बाहर खड़े हैं। बीएसपी की गाड़ी में मना हमारा हमें कुछ नहीं देता, डिपो वाले मने करते हैं हमको। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली में जो वाहनों का प्रदूषण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आनंद विहार में सबसे ज़्यादा प्रदूषण का स्तर जो है देखा जा रहा है, उसको देखते हुए आज हम अभी रात में निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए कि जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं क्या वो जमीन पे अधिकारी लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ आकर के देखा कि दिल्ली के अंदर CAQM ने भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने आर्डर दिया कि दिल्ली के अंदर जो डीजल की पलूटेड बसें हैं, जो धुआं फेंकती हैं, BS3 और BS4 की, वो गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं 1 तारीख से। यहाँ पर अब CNG की, इलेक्ट्रिक की या BS6 की बसें चल सकती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों तरफ कई सारी बसें जो BS3 और BS4 की यहाँ पर चल रही हैं। तो अभी हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, और इस तरह की लापरवाही अगर करता है कोई तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन सी रोडवेज की बसें हैं जो आपने देखी? यहाँ पे तो ज़्यादातर यूपी की बसें हैं, यहाँ तो सारी यूपी से ही बसें आई हुई हैं। सर, अगर AQI की बात की जाए तो 500 तक आंकड़ा दिल्ली का औसत पार कर चुका है, आनंद विहार 800 से ज्यादा है। ऐसे में क्या और टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम लोग अभी बच सकते हैं, क्योंकि ये स्वस्थ मनुष्य के लिए भी खराब है? देखिए, इसका टेक्निक यही है कि जो गाड़ियों को, जो पोल्यूशन जिससे पैदा होता है उसको रोका जाए। प्रदूषण पैदा किस चीज़ से होता है? गाड़ियों से होता है, डस्ट से होता है। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारा कंस्ट्रक्शन बैन किया गया है। गाड़ियों को पोल्यूशन के लिए जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं, जैसे अब दिल्ली के अंदर GRAP III लागू हुआ है, अब दिल्ली के अंदर की भी जो चार पहिया गाड़ी है, अगर वो पेट्रोल की BS3 है या डीजल की BS4 है, उसको भी बंद कर दिया गया है। बाहर से चूंकि क्या है, दिल्ली के अंदर CNG की बस चलती है, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस चल रही है, लेकिन बाहर से जितनी बसें आ रही हैं सारी जो है धुआं छोड़ने वाली बसें यहाँ भेजी जा रही हैं, इसीलिए इस पर बैन किया गया है। उसको जो निर्णय ले रही है सरकार, उसको जमीन पे स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, उसको आज हमने यहाँ जो है हम औचक निरीक्षण करने आए कि हकीकत क्या है। और यहाँ पर हमने देखा है कि लापरवाही बरती जा रही है, और इस लापरवाही को अगर ठीक नहीं करते हैं अधिकारी और कर्मचारी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में अभी ठंड पूरी तरह से आई भी नहीं है, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली पिछले 2 दिनों से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो दिल्ली में AQI 500 का आंकड़ा पार कर चुका है, औसत AQI 504 तक पहुंच चुका है। जबकि अगर आनंद विहार इलाके की बात करी जाए तो यहां पर AQI 865 तक पहुंच चुका है। दिल्ली की जो हवा है वो सीवियर कैटेगरी यानी गंभीर श्रेणी में इस वक्त बनी हुई है, और यही वजह है कि दिल्ली में GRAP III को लागू किया गया है। और दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है, किस तरीके से दिल्ली के लोगों को सहूलियत दे सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इसको खुद देखने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त दिल्ली की सड़कों में आधी रात को उतरे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गोपाल राय खुद पहुंचे हैं और आनंद विहार में आने वाली जितनी बसें हैं उनको चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी BS3 है, कौन सी BS4 है, क्योंकि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां पूरी तरीके से दिल्ली में बैन की गई हैं। लेकिन तमाम जो गाड़ियां हैं वो अभी भी आनंद विहार इलाके में आ रही हैं, और ऐसे में जायजा लेने के लिए खुद यहाँ गोपाल राय पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो ड्राइवर्स और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं गोपाल राय। दिल्ली में काफी बुरी हालत हो चुकी है, और स्वस्थ मनुष्य भी इसमें बीमार हो सकता है। जब जो AQI 500 के पार जाता है तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग भी बीमार हो सकते हैं, और जो लोग बीमार हैं वो काफी गंभीर उनकी हालत हो सकती है। और ऐसे में जब दिल्ली में सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है, हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, और दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर AQI 400 से कम हो, तो ऐसे में अब हालत काफी ज्यादा
चिंताजनक बन गई है। और इस जब दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी यानी सीवियर कैटेगरी में आकर के QI जब 504 तक पहुंच चुका है, तो खुद अब दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो उतरे हैं और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम बसें हैं, जो उनके ड्राइवर हैं उनसे कागजों को चेक किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक के अधिकारी हैं उनको यहां पर डांट लगा रहे हैं कि जब ग्रैब 3 लागू होने के बाद BS3 और BS4 की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में आने पर बैन हैं, तो ऐसे में कैसे दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां हैं वो आनंद विहार तक पहुंच रही है। इसको लेकर के तमाम लताड़ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और जो आनंद विहार टर्मिनल के जो कर्मचारी हैं उनको लगाई जा रही है, साथ ही जो चालान करने के लिए कहा जा रहा है जैसे कि ये बस है इस बस का भी चालान करने के लिए इस वक्त गोपाल राय ने कहा है क्योंकि ये बस BS4 थी और सारे कागजों को चेक करने के बाद कहा गया। तो फिलहाल दिल्ली की जो हालत है वायु प्रदूषण को लेकर के काफी गंभीर बनी हो चुकी है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं वो तो घरों से बिल्कुल ना निकलें, और अगर हो सके तो जो नौजवान लोग भी हैं वो भी घरों से बाहर ना निकले क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और स्वस्थ मनुष्य भी इस जहरीली हवा के कारण बीमार हो सकता है। फिलहाल तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से जो गोपाल राय हैं वो यहाँ पर पहुँच करके आप देखेंगे कि सारे जो पेपर्स हैं लोगों के बसों के उनको खुद चेक कर रहे हैं कि जब ग्रैब 3 लागू होने के बाद BS4 के और डीजल और BS3 के जो पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद हैं तो आखिर कैसे वो दिल्ली की सीमा में घुस रही हैं और वायु प्रदूषण को फैला रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं। तो दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है ये AQI लेवल जो कि अब 500 का आंकड़ा क्रॉस करके दिल्ली को पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील कर चुका है। और सबसे बड़ी वजह इसकी पराली जलाया जाना बताया जा रहा है क्योंकि 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई गई थी जिसका असर अब दिल्ली में देखने को मिला और यही वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब 500 का आंकड़ा पार कर गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली में एयर क्वालिटी सही नहीं हो पा रही है, बेहतर नहीं हो पा रही है और लोगों को मजबूरन जहरीली हवा में ही सांस लेना पड़ रहा है जो उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।